नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लिख रहा हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स लगभग हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। हाँ, अगर कुछ रह गए हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा नए वीडियो के साथ आपके कमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दिस इज फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज अभी जो हम कर रहे हैं फिलहाल पिछले कुछ वीडियो से जेट प्रोपल्शन। ठीक है, तो जेट प्रोपल्शन ऑफ अ बॉडीज देखी, यानी कि टैंक देखा, तो अभी हम दूसरा देखेंगे, उसका दूसरा पार्ट, दिस इज द जेट प्रोपल्शन ऑफ शिप्स। इसमें भी दो टाइप है। ठीक है, तो इस टाइप को समझेंगे, देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेकर आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दिस इज जेट प्रोपल्शन ऑफ शिप्स। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम तो बनाई हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसी वीडियो के एक चीज जरूर बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोटिफिकेशन था कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा जो इसी चैप्टर के बाकी वीडियोस भी बता देगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर मेरी प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल है चैप्टर्स पे और फ्लूइड मशीनरी के, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। फ्लूइड मशीनरी मिलेगी, फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मिलेगा, 10th क्लास के आपको वो मिल जाएंगे, दिस वन मैथमेटिक्स, 10th क्लास की मैथमेटिक्स मिल जाएगी। ठीक है, 12th और 11th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस इज द जेट प्रोपल्शन ऑफ शिप्स, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। जेट, जेट क्या होता है? जेट ऑफ वाटर। अब जेट ऑफ वाटर नोजल से निकलता ही है, आपने देखा होगा जब यह पाइपलाइन को थोड़ा सा आगे से दबाते हैं और नोजल बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब सिंपल पाइप है, पाइप के आगे एक नोजल लगा दिया, मतलब आप डाया को रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जेट ऑफ वाटर निकलेगा। क्लियर हो गया? अब जेट तो हो गया, ठीक है, तो जेट ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं, पानी का एक जेट निकलेगा। ओके, प्रोपल्शन, प्रोपल्शन मतलब मूवमेंट, किसी बॉडी का चलना। तो किसका? जब कोई भी बॉडी चलती है जेट का यूज करके, मगर यहां पर बॉडी कौन सी है? शिप्स है। तो आज हम देखेंगे शिप्स कैसे ड्राइव होते हैं, चलते हैं कैसे, किसका यूज करके? जेट ऑफ वाटर का यूज करके। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके, अब आपको मालूम ही है, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में हमें आपको समझाया था कि एक टैंक था, ठीक है, और टैंक में हमने क्या कर दिया था, एक ऑरिफाइस दे दी थी, एक छेद कर दिया था, और ये भरा हुआ था पूरा पानी से। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इस पानी की हाइट थी। ठीक है, तो यहां से एक जेट निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी का जेट निकलेगा विद सर्टेन वेलोसिटी। तो अगर हमने इसमें एक फ्रिक्शनलेस व्हील प्रोवाइड कर दिए हैं तो क्या होगा, समझ रहे हैं? तो जेट आपका बाहर निकलता है विद सम रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टैंक, टैंक के हिसाब से इसकी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और अगर हमने इसको व्हील दे दी है, फ्रिक्शनलेस व्हील, तो एक अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में ऑरिफाइस के सेंटर पे यहां पर एक्ट करेगी, कितनी फोर्स एफ एक्ट करेगी। ठीक है, जेट पीछे निकल रहा है मगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी जो इस टैंक को विद सर्टेन वेलोसिटी के साथ लेके चलेगी। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके आपके रॉकेट्स चलते हैं, आपके शिप्स चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये दो टाइप हैं, क्लियर हो गया? तो यानी कि पीछे एक जेट निकल रहा है जिसकी वजह से ये टैंक चल रहा है। फिलहाल ये टैंक का किस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है, यहां पर वो जो बॉडी है फिलहाल अब टैंक नहीं है, फिलहाल अब हमारी शिप है। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो यहां पर मैं दो टाइप लिखता हूं। ठीक है, अब सिंपल सा है कि ये हमारी बोट, बोट में लगा हुआ एक सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों चाहिए भाई हमें? ताकि जेट ऑफ वाटर क्रिएट किया जाए। ठीक है, एक पंप है, पंप जैसा कि आपने देखा होगा पंप कुछ इस तरह से दिखता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये है आपकी डिलीवरी लाइन, कौन सी है? डिलीवरी लाइन। ये सिंबल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और ये है सक्शन लाइन जहां से पानी या कोई भी फ्लूइड सक किया जाता है कोई भी टैंक से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस क्या बोलते हैं बोट पे क्या प्रोवाइड किए, दो ऑरिफाइस प्रोवाइड किए, एक जो रेड कलर में आपको दिख रही है यहां पर और एक यहां पर, जहां से फ्लूइड अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, यहां से अंदर की तरफ यानी कि एंटर कर रहा है। अगर ये शिप मान लेते हैं एक सी पे चल रहा है, सी पे चल रही है यानी कि समुद्र पे चल रही है, तो यहां से फ्लूइड यानी कि पानी एंटर करेगा, एक छेद रहता है। ठीक है, ये एक तरह की पाइपलाइन है। ठीक है, तो यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है, देखिए इनलेट ऑरिफाइस लिखा है, तो यहां भी एक इनलेट ऑरिफाइस है और एक यहां भी है, तो यहां से आपका जो सी वाटर है यानी कि पानी वो एंटर करता है। तो यानी कि ये जो लाइन है ये हमारी सक्शन लाइन है इस सेंट्रीफ्यूगल पंप की, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन लाइन होती है, एक डिलीवरी लाइन होती है। तो इन दोनों, ये जो दोनों ऑरिफाइस है, ये दोनों एक छेद का काम करती है। ऑरिफाइस क्या होती है? एक सर्कुलर ओपनिंग हो सकती है या फिर एक ट्राइंगुलर हो सकती है या फिर स्क्वायर हो सकती है, डिपेंड करता है। तो एक छेद होता है जो प्रोवाइड किया गया है सक्शन लाइन पे, जहां से फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है,
तो ये देखिए फ्लूइड अंदर की तरफ एंटर कर रहा है जो मैंने एरो की तरफ बताया, और यहां से फिर वो पीछे की तरफ जाता है जो आपकी डिलीवरी लाइन है। क्लियर हो गया? तो ये है हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप। अब यहां से जैसे ही फ्लूइड आपका बाहर निकलता है तो बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ जेट, पानी का एक जेट के तौर पे बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो शिप है, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था जैसे ही जेट विद सर्टेन वेलोसिटी बाहर निकलता है, इसी को नाम दिया गया। और देखिए इस क्या जो भी बोट है ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो बोट है, ये जो नाव है, इसके पीछे ये जेट निकल रहा है, इसी वजह से यहां पे नाम दिया गया दिस इज द बैक ऑफ द शिप, या जिसको बोलते हैं स्टर्न, स्टर्न भी बोलते हैं। ओके, ये जो जेट है विद वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी से बाहर निकलता है, तो यहां पे लिखा हुआ जेट ऑफ वाटर। तो क्या होता है, अगर जेट ऑफ वाटर पीछे निकलता है आपके शिप के, तो आपको एक फोर्स, एक प्रोपल्सिव फोर्स इस शिप के ऊपर एग्जर्ट होगी उल्टे डायरेक्शन में। यहां पर सपोज उल्टे डायरेक्शन में एफ करके फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, जिसकी वजह से आपका ये जो शिप है यू मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप देख रहे हैं कि आपकी शिप की डायरेक्शन कौन सी साइड है। देखिए शिप कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, मगर ऑरिफाइस जहां से पानी एंटर हो रहा है वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन में एंटर हो रहा है। याद रखिएगा ये जो मैंने एरो बनाया, ठीक है, ये जो एरो है इस डायरेक्शन में आपका शिप मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, मगर जहां से आपका फ्लूइड एंटर हो रहा है ऑरिफाइस के थ्रू वो इस डायरेक्शन में, यानी कि आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट साइड में है, मगर जो पानी की एंट्री है वो आपके कुछ ऐसे है, तो यानी कि अगर आप देखोगे साफ साफ तो ये 90 डिग्री आपस में बना रहे। तो ये पहला केस है जो मैंने लिखा हुआ है, इनलेट ऑरिफाइस एट राइट एंगल्स। समझ गए आप? तो ये है हमारा पहला केस। ठीक है, एक दूसरा केस है जहां पर सपोज यही मैं बोट बनाऊं, अगर सपोज कुछ इस तरह से ये बोट है आपकी, ठीक है, ये हमारा दूसरा केस है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहां पर जो ऑरिफाइस है, ठीक है, देखिए आपका जेट तो पीछे निकल रहा है, ये जेट है सपोज ये, ठीक है, ओके, मगर यहां पर पानी, यहां पर सेंट्रिफ्यूगल पंप यहां पर भी लगा हुआ है, मगर यहां पर जो ऑरिफाइस है, देखिए अब अगर आपका जेट पीछे निकलता है, ये केस बी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम ये वाले वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके डेरिवेशन कैसे होने वाले हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि कितना वर्क डन किया गया एक सेकेंड में, ठीक है, इस मूविंग शिप के ऊपर, ठीक है, या फिर कितनी पावर चाहिए शिप को चलाने के लिए, वो भी हम देखने वाले हैं। तो मैं ये बोल रहा था अगर जेट पीछे निकल रहा है तो जो फोर्स है वो उल्टी डायरेक्शन में पड़ती है, जिसकी वजह से ये यू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में चलेगा। ओके, मगर यहां पे ऑरिफाइस कहां पे, देखिए ऑरिफाइस यहां प्रोवाइड किया जाता है, तो कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपका शिप जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ऑरिफाइस भी है। तो ये दो केस है, तो एक ये केस और एक ये दूसरा केस। इसमें क्या था, जिस डायरेक्शन में आपका शिप जा रहा है उसके 90 डिग्री में आपका ये इनलेट ऑरिफाइस दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया आपको। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है और ऑरिफाइस इस डायरेक्शन में, तो यानी कि अगर आप देखेंगे साफ साफ तो ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, दूसरा केस आपने देखा कि जिस डायरेक्शन में आपकी शिप जा रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या बोलते हैं फ्लूइड भी एंटर हो रहा है। मतलब सपोज देखिए यहां पर साफ साफ दिया हुआ है ये शिप इस डायरेक्शन में जा रही है, मगर यहां पे और साथ साथ में क्या है कि जो ऑरिफाइस है वो भी उसी डायरेक्शन में है, या फिर ये भी बोल सकते हैं जिस एक्सेस में आपका क्या बोलते हैं ये शिप जा रहा है उसी एक्सेस में आपका ये इनलेट ऑरिफाइस भी दिया हुआ है, और फ्लूइड आपका यहीं से एंटर करते हुए बाहर निकल जाता है। तो आज हम बी केस के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम ए केस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारी डिलीवरी लाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं ये सेंट्रिफ्यूगल पंप के बाद वाली लाइन डिलीवरी लाइन है, और ये हमारी सक्शन लाइन है। और ऑरिफाइस क्या होता है, दैट इज योर क्या बोलते हैं एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहां से फ्लूइड एंटर हो रहा है। ये तो क्लियर हो गया। तो यानी कि इनलेट ऑरिफाइस जो है, जो ऑरिफाइस है वो 90 डिग्री पर है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो चलिए बात करते हैं आगे। ओके, तो अगर हाँ मैंने दोनों टाइप तो लिख दिए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना आपका फ्लो रेट, यानी कि कितना मास फ्लो रेट बाहर निकल रहा है इस जेट के थ्रू। क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी पिक्चर में आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम मास फ्लो रेट निकालेंगे, मास फ्लो रेट ऑफ जेट, मूविंग जेट। ठीक है, जो भी आपका जेट निकल रहा है, देखिए वी जो है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जेट की, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वी इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी
ऑफ जेट। ठीक है, ओके। तो अब हम मास फ्लो रेट लिखेंगे जेट की, मगर इससे पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटीज डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। चलो, तो मैं ये बोल रहा था इससे पहले कि हम मास फ्लो रेट लिखे, चलिए मास फ्लो रेट देख लेते हैं। ठीक है, मास फ्लो रेट क्या होता है जेट का? तो मास फ्लो रेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट है ना वो होती है केजी पर सेकेंड। हो गया, केजी पर सेकेंड, यही होता है मास फ्लो रेट। ठीक है, ओके। तो ये मास फ्लो रेट को लिखने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी? क्योंकि डेंसिटी की अगर यूनिट देखेंगे तो दिस इज केजी पर मीटर क्यूब होती है। ओके, हमें क्या चाहिए? केजी पर सेकंड चाहिए, मगर यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब है, तो कहने का मतलब है मीटर क्यूब को हटाना पड़ेगा और सेकंड भी लाना पड़ेगा नीचे। तो मैं क्या करूंगा, मीटर क्यूब पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये मीटर क्यूब पर सेकंड किसकी यूनिट है? ये है फ्लो रेट की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट इक्वल टू दिस इज रो इंटू क्यू, क्यू इज वॉट, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम और अच्छे से देखेंगे, दिस इज मास फ्लो रेट, ओके, बट दिस इज रो, ओके, एरिया, एरिया एरिया भी लिख दिया मैंने। एरिया क्या है ये? यहां पर मैंने लिखा नहीं है, एक काम करता हूं, लेट मी चेंज माई पेन। ओके, हाँ, ये जो एरिया है, एरिया मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट ए इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑरिफाइस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑरिफाइस। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज, अब यहां पर जो वेलोसिटी है, मैं ये वाली वेलोसिटी यहां पर यूज नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो वी है, यानी कि ये जो वी है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जेट की। ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है कि ये जो शिप है ये चल भी पड़ा है। देखिए यहां पर वी वेलोसिटी से बाहर तो निकल रही है, ठीक है, मगर ये आपका शिप चल भी पड़ा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड। तो यहां पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होगी किसकी? जेट की, विद रिस्पेक्ट टू योर शिप। समझ में आ गया? ओके, तो वो कैसे निकालेंगे? सपोज देखिए, अब जेट भी आपका इस डायरेक्शन में, समझाता हूं, ठीक है, जेट भी आपका राइट हैंड साइड पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, और आपका जो ये क्या बोलते हैं शिप है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे विद वेलोसिटी यू जा रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए एक बार वापस रिपीट करूंगा, ये जो है ये आपकी जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वी। ठीक है, ओके, और उल्टे डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, क्या शिप का मोशन हो रहा है। क्लियर हो गया? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका जो मोशन है शिप का, वो भी इसी डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड में। तो अब मैं ये भी बोल देता हूं दैट वी इज ग्रेटर देन यू। ओके, तो अगर मेरे को एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए किसकी? जेट की। किसके रेस्पेक्ट में? शिप के रेस्पेक्ट में। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ठीक है, वी माइनस यू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वी माइनस यू कर दूंगा। क्लियर हो गया? सिंपली ये माइनस साइन फॉर्मूले का है। मगर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आपका जो ये मोशन है ये राइट साइड पे नहीं है, ये तो उल्टी डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? तो इसको मैं उल्टी डायरेक्शन में यहां पे कर देता हूं। क्लियर हो गया? ओके, तो अब आप देखिए उल्टी डायरेक्शन की वजह से आपका एक नेगेटिव साइन यहां पर पैदा होगा। ठीक है, जो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब उल्टी डायरेक्शन को बताएगा किसकी? शिप के मोशन को। क्लियर हो गया? तो देयरफॉर दिस इज माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो वी प्लस यू। तो दिस इज नथिंग बट अ रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। ठीक है, सो दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में? नहीं, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी है ये? जेट की। किसके रेस्पेक्ट में? शिप के रेस्पेक्ट में। हो गया? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वी आर, वी आर की जगह क्या लिखूंगा, दिस इज कैपिटल वी प्लस यू। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम इसी का यूज करके हम क्या लिखेंगे, समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होती हैं। ठीक है, यहां पे मैं इसको रख देता हूं। ओके, तो अब हमें लिखनी है फोर्स। कौन सी फोर्स? अब कितनी फोर्स एग्जर्ट की जा रही है शिप के ऊपर। ठीक है, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन शिप, फोर्स एग्जर्टेड ऑन शिप। ओके, तो कैसे लिखना है? हाँ, ये जो कोई देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके आप फोर्स एग्जर्टेड लिख सकते हो, यानी कि नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन शिप। वो कैसे लिखेंगे आप? मास फ्लो रेट। ठीक है, वैसे आप देखेंगे फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डीवी बाई डीटी होती है। ओके, डीटी को अगर हम मास के नीचे रख देते हैं तो ये मास फ्लो रेट हो जाता है। मैंने काफी सारे वीडियोस में बताया हुआ है, फिलहाल मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं जहां पर ये, बट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन शिप इज इक्वल टू मास फ्लो रेट। ठीक है, काम करता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज योर डीवी बाई डीटी। ओके,
तो दिस इज द चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, तो ये क्या काम करूंगा, मास अपॉन डीटी कर लेता हूं एंड दिस इज डीवी, ठीक है। सो इसको मैं और अच्छे से कैसे लिखूंगा, दिस इज मास अपॉन डीटी इज योर मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, क्लियर हो गया, इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फाइनली एक काम करता हूं, दिस स्केच पेन इज सम प्रॉब्लम, लेट मी चेंज माय स्केच पेन। हाँ चलिए, तो एक्चुअली में ये हो गई मास फ्लो रेट की पूरी वैल्यू, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। सो द फोर्स इज, फोर्स क्या होगी, ये भी कुछ काम नहीं कर रहा, सो इसी में आना पड़ेगा, ठीक है। सो फोर्स इज, सी फोर्स जो एक्ट कर रही है शिप के ऊपर, दिस इज नथिंग बट मास फ्लो रेट इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो दिस रो इंटू ए v प्लस यू, क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट इज चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर हो गया। ओके तो ये मास फ्लो रेट तो मैं लिख चुका हूं, फिलहाल से मैं मिटा देता हूं। ओके चलिए, तो अभी इसमें ठीक है, तो दिस इज द फोर्स, दिस इज रो ए वी प्लस यू, ओके फाइनल वेलोसिटी इज योर रिलेटिव वेलोसिटी वी प्लस यू एंड इनिशियल वेलोसिटी इज योर दिस वन, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, रो ए वी प्लस यू दिस इज फोर्स, ओके फोर्स ऑन द शिप, सो अगर हम इसे ब्रैकेट को खोलते हैं, वी प्लस यू माइनस यू, दिस प्लस यू माइनस यू गोज, सो फाइनली विल राइट डाउन, ये है प्रॉब्लम विद द स्केच पेन, लेट मी चेक, सब एक ही जैसे लग रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए तो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फाइनल फोर्स ऑन शिप, दिस इज रो ए वी प्लस यू, क्लियर हो गया। ओके और यहां पे क्या रह गया, सिर्फ कैपिटल वी। ओके अब हम फाइनली हम किसकी तरफ जाएंगे, दिस इज द पावर रिक्वायर्ड टू मूव अ शिप, क्लियर हो गया। बाकी इसमें एफिशिएंसी अगर आप निकालो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी या फिर एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी, वो लगभग सेम ही है जो आपने किस केस में निकाली थी, दिस इज द प्रोपल्शन मीन्स जेट प्रोपल्शन ऑफ अ टैंक के केस में निकाली थी, क्लियर हो गया। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम ही है वो। तो फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं। ओके तो ये तो हो गया हमारा, दैट वाज द फोर्स विच इज ऑन द शिप। ओके तो अब हमें चाहिए वर्क डन, क्या चाहिए हमें, दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बुकों में ऐसा भी दिया हुआ है, वर्क डन ऑन शिप पर सेकेंड, क्लियर हो गया। ओके तो ये कैसे लिख सकते हैं आप, या फिर इसका मतलब है पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड टू मूव अ शिप, क्लियर हो गया। ओके अब पावर चाहिए या फिर वर्क डन पर सेकेंड चाहिए, तो अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो वैट होती है, वैट की यूनिट को कैसे लिख सकते हैं आप, दिस इज जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब जूल को कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया। ओके अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, न्यूटन मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में अलग कर देता हूं, ठीक है, तो दिस इज न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, तो ये किसकी यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है और ये वेलोसिटी की यूनिट है, तो दिस इज फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन जो अप्लाई की गई है इस शिप के ऊपर, और ये जो है आपकी वेलोसिटी है जिसके साथ आपका ये शिप चल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए, तो फोर्स कितनी है, वो फोर्स हमने निकाली हुई है, दिस इज रो, दिस इज ए, दिस इज वी प्लस यू इंटू कैपिटल वी, फिलहाल ये फोर्स हो गई है, अब ये वेलोसिटी यहां पे आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। हाँ एक चीज बार और बता देता हूं कि अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए या फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए या फिर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी चाहिए, तो आप वही वीडियो मेरा पिछला वीडियो फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैंने प्रोपल्शन ऑफ अ मीन्स जेट प्रोपल्शन ऑफ अ टैंक, टैंक के केस में जेट प्रोपल्शन, देखिए हेडिंग क्या थी, जेट प्रोपल्शन ऑफ अ टैंक, यानी कि टैंक इस साइड मूव करता है, जेट आपका पीछे की तरफ जाता है, हमने रिलेटिव वेलोसिटीज भी देखी थी, एफिशिएंसी भी देखी थी, कैसे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, और दूसरी चीज एक्सप्रेशन क्या है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।